कांग्रेस और आप हरियाणा, पंजाब और गुजरात में एक साथ हैं, लेकिन वहीं हमने देखा किस तरीके से पंजाब में एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं, उसी को लेकर अब रैली की शुरुआत होने वाली। रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में साथ लेकिन पंजाब में कांग्रेस से दूरी मेंटेन करने वाले केजरीवाल आज से वहां चुनावी अभियान का आगाज करने वाले हैं। आज सुबह 10:30 बजे मोहाली से चुनावी बिगुल फूकेंगे, साथ में मुख्यमंत्री भगवंत मान भी मौजूद रहेंगे। संभावना है कि इस दौरान कुछ उम्मीदवारों के नाम की घोषणा भी हो सकती है। दरअसल आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच दिल्ली में तो बात बन गई, लेकिन पंजाब में सहमति नहीं बन पाई। पंजाब में लोकसभा की 13 सीटें हैं, आप और कांग्रेस सभी 13 सीटों पर अलग अलग चुनाव लड़ रही हैं। इधर पंजाब में बीजेपी और अकाली दल के बीच गठबंधन को लेकर कोशिशें जारी है, दोनों के बीच सहमति बनने की उम्मीद है। हालांकि जब तक फाइनल फैसला नहीं होता तब तक बीजेपी सभी 13 सीटों पर तैयारी कर रही है। बड़ा पंजाब के भविष्य का मसला है और पंजाब एक ऐसे मोड पे खड़ा है जहाँ पे पंजाब के अंदर लोगों ने एक छोटी सी गलती की और उसका खामियाजा 5 साल भुगत रहे हैं। हमारी कोशिश हो कि ये ज़्यादा देर तक ऐसा ना हो पाए, पंजाब को वापस रास्ते पे लेके आया जा सके, उसके लिए हम सब हर संभव प्रयास करेंगे। और इन सब के बीच एक बड़ी बैठक दिल्ली में होने जा रही है। आपको बता दें कि आज सुबह 11 बजे चुनाव आयोग की बड़ी बैठक होने वाली है और इस बैठक में सभी राज्यों के ऑब्जर्वर मौजूद होंगे। तो चुनाव आयोग की बड़ी बैठक है, आपको बता दें कि कभी भी चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है और इससे पहले चुनाव आयोग की बड़ी बैठक आज होने जा रही है दिल्ली में। 11 बजे ये बैठक होगी। तो आज चुनाव आयोग की बैठक होने वाली है और उसी से पहले हमने देखा किस तरीके से लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले चुनाव आयुक्त ने इस्तीफा दे दिया, जिसको लेकर हलचल बहुत ज्यादा तेज है। इतिहास में नहीं हुआ कि एक ही चीफ इलेक्शन कमीशन रह गया हो चुनाव से पहले। तो भर्ती करो और जो कहो वो करेंगे। का काम चुनावों से पहले बयानबाजी करना है, कभी ईवीएम पर ठीकरा फोड़ते हैं, कभी इलेक्शन कमीशन पर। ये इनकी पुरानी आदत है, 2 चुनाव हारे तब भी किया, विधानसभा के चुनाव हारे तब भी किया, जब जीतते हैं तब कुछ नहीं करते हैं। आज मैं भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज कर रही हूँ कि वो पूरे देश को ये बात बताएं कि अरुण गोयल जी ने इस्तीफा क्यों दिया, ऐसा उनको क्या कह दिया गया, ऐसा क्या गलत काम करने को कह दिया गया लोकसभा इलेक्शन में कि उनका अपना आदमी तक वो काम कर नहीं पाया, उसने इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस तो हर चीज को मुद्दा बनाना चाहती है। बड़ी खबर महुआ मोइत्रा को लेकर भी आ रही है। महुआ मोइत्रा का सामना आज ईडी से होना है क्योंकि ईडी ने आज के लिए समन भेजा है और फेमा उल्लंघन मामले में ये पूछताछ महुआ मोइत्रा से होनी है। हालांकि महुआ मोइत्रा ईडी के सामने पेश होंगी या नहीं ये देखने वाली बात होगी, लेकिन बड़ी खबर यह है कि ईडी ने पूछताछ के लिए समन भेजा है। आज महुआ मोइत्रा को ईडी के सामने पेश होना है, फेमा उल्लंघन केस में ये पूछताछ होनी है और ईडी ने आज के लिए समन दिया है। महुआ मोइत्रा ने अपने निष्कासन को लेकर एक याचिका दायर की है जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। ऐसे कई फैसले हैं जिसको लेकर आज सभी की निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई। सुबह 11:30 बजे के करीब कैश फॉर क्वेरी केस में लोकसभा से निष्कासन के खिलाफ टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। दोपहर 12:30 बजे के करीब शरद पवार की याचिका पर हियरिंग होगी, जिसमें उन्होंने अजीत पवार गुट को असली एनसीपी की मान्यता और चुनाव चिन्ह घड़ी देने के चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती दी है। दोपहर 2 बजे के करीब संदेश खाली में ईडी की टीम पर हमले की सीबीआई जांच को चुनौती देने वाली ममता सरकार की अर्जी पर सुनवाई होगी। लेकिन सबसे पहले सुनवाई के लिए जो मामला सुप्रीम कोर्ट में आने वाला है वो है इलेक्ट्रोल बॉन्ड को लेकर, जिस पर सुबह 10:30 बजे हियरिंग होगी। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को 6 मार्च तक चुनाव आयोग को ब्यौरा देने के लिए कहा था, लेकिन एसबीआई ने 30 जून तक का समय मांगा है। एसबीआई की याचिका के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट एडीआर और सीपीआईएम की याचिकाओं को भी सुनेगा, जिनकी दलील है कि तय समय सीमा में इलेक्टोरल बॉन्ड का ब्यौरा न देकर एसबीआई ने कोर्ट की अवमानना की है, अवमानना का केस चलना चाहिए। ABP News, आपको रखे आगे।